जयपुर के रदी सिदी चौराहे पर हफ्ता को हंगामा हुआ जब एक निचली मंजिल की बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में इसने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली, जिसकी वजह से 10 मिनट में पूरी बस जलकर राख हो गई। खुशकिस्मती की बात यह है कि ड्राइवर ने होशियारी से लोगों को बचा लिया। परी स्कूलों में आरटीई में 25% मुफ्त दाखिला दिया जाएगा। आरटीई के दायरा कार में आने वाले तमाम परी प्राइमरी निजी और सरकारी स्कूलों में आरजी दाखिला होगा। पटवारी ब्राय रास्त भर्ती इम्तिहान 2021 का पहला पेपर हफ्ता को राजस्थान में खत्म हो गया है। 5378 ओहदों के लिए पटवारी भर्ती के इम्तिहान में पहले दिन रियासत के 22 अजला में इम्तिहान हुआ। क्रूज जहाज पर मंशियात जब्त करने के सिलसिले में अदाकारा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवालात उठ रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर छगन भुजबल ने बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख खान बीजेपी में शामिल हो जाएं तो मंशियात बन जाएगा शुगर पाउडर। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा कि जम्मू व कश्मीर और खसूसन कश्मीर में खेल को फरोग देने की अहम जरूरत है और अगर यहां क्रिकेट और फुटबॉल एकेडमी की तरह कश्ती की एकेडमी को खोलकर बच्चों को तरबियत फराहम की जाए तो कश्मीर से भी अच्छे पहलवान निकल सकते हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में एक तकरीब में शिरकत करने पहुंचे हज कमेटी उत्तराखंड के साबिक चेयरमैन मौलाना जायद रजा नूरी ने मिली मसाइल और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात 2022 से मुतलक अपनी खसूसी गुफ्तगू में अहम बातों का तज़किरा किया। मगरबी उत्तर प्रदेश के मेरठ के किठोर असेंबली हलके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से एक इंतखाबी रैली मुनक्कद की गई। इस दौरान रुकन पार्लिमानी असदुद्दीन अवैसी ने अपनी तकरीर में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को बयान करते हुए इन्हें मुतहिद होने की बात कही। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तशद्दुद के मरकज मुलजिम और मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस रिमांड के दरमियान डेंगू हो गया है। मुसला अतला के मुताबिक आशीष की तबीयत खराब होने पर इन्हें जेल के ही अस्पताल में मुंतकल किया गया है। मरकजी जेर इंतजाम हिता जम्मू में महकमा मौसमियात की जानिब से एक हफ्ता तक चलने वाली आइकॉनिक फेस्टिवल का इनकार किया गया। इस तकरीब में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चंद्र मोहन गुप्ता ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। महकमा सेहत के डायरेक्टर विवेक नंद राय की मौजूदगी में आइकॉनिक वेक जश्न का इफ्तिताह किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने हफ्ते के रोज कहा कि उन्होंने 10 गैर मुल्की सफीरों को नापसंदीदा करार दिया है जिन्होंने जेर हिरासत समाजी कारकुन आसमान का वाला की रिहाई का मुतालबा किया था।